भारत में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन को समर्थन दे रही विदेशी हस्तियों की पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ चुकी है, पर लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन ने ब्रिटिश सांसद क्लॉडिया वेब को अपने ओपन लेटर में कहा है। लेटर में क्या कहा गया है देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई आवाजें उठी हैं। विपक्षी पार्टियों के इशारों पर नाचने वाली रिहाना से लेकर ग्रेटा जैसे लोग इस आंदोलन में घी डालने का काम कर रहे हैं और इस घी की कीमत करोड़ों में चुकाई जा रही है। जो लोग भारत में हिंसा भड़काने के लिए एक ट्वीट का 18 करोड़ ले सकते हैं, वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और अब दिशा रवि जैसे साइबर टेररिस्ट के लिए भी आवाजें उठने लगी हैं। उसे रिहा करने की मांग की जा रही है और इस मांग को कर रही हैं ब्रिटिश सांसद क्लॉडिया वेब। क्लॉडिया वेब लीसेस्टर ईस्ट से सांसद हैं। वेब ने टूलकिट मामले में भारत में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की रिहाई की हाल में सोशल मीडिया के जरिए मांग की थी और ट्वीट किया था कि दिशा रवि को रिहा किया जाए। इसी मुद्दे पर साफ तौर पर बात करने के लिए लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन ने एक खुला लेटर लिखा है। पत्र में वेब से कहा गया, ब्रिटिश नागरिकों को जो भी आपत्ति है वो सीधा इंडियन हाई कमीशन के सामने रखा जाए। कानूनों के बारे में विस्तार से पत्र में बताया गया है कि इन कानूनों से अगर किसान सहमत नहीं है तो उनके साथ वार्ता का दौर जारी है। वही ये भी कहा गया कि भारत सरकार विदेशों में चलाए जा रहे प्रोपोगेंडा के बारे में भी जानती है जो भारत के खिलाफ किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन पर विदेशों से हो रही टिप्पणियों को सरकार सहन नहीं करेगी, पर सवाल ये उठता है कि ये लड़कियां जो इतनी खिटपिट कर रही हैं, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, उनके समर्थन में क्लॉडिया वेब का ट्वीट करना और रिहाई की मांग करना सही नहीं है। और तब जब ये साबित हो चुका है कि दिशा रवि का ग्रेटा थनबर्ग के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता सामने आ चुका है, पर इंडियन हाई कमीशन में पत्र में ये साफ इशारा दिया है कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र में जो भी शामिल होगा बख्शा नहीं जाएगा। विदेश के कई लोग खुद के स्वार्थ के चलते गलत जानकारी के जरिए आंदोलन को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और नतीजा ये निकल रहा है कि टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि की रिहाई की मांग कर रही वेब क्लॉडिया भी उन लोगों में शामिल हो गई हैं जो आरोपियों को बचाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही कैपिटल टीवी के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।